हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एस्क टेक्नोवेशन। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट में आपका स्वागत है यूपी स्कॉलरशिप की, जो कि लगातार आप इस चैनल पे देखते आ रहे हो। स्टार्टिंग से जब से यूपी स्कॉलरशिप का चल रहा है, मैं हर छोटी बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूँ। अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि हर अपडेट यहाँ मिल रही है। एक और अपडेट की झूठी खबर छात्रवृत्ति की आखिरी तारीख 10 दिसंबर तक नहीं बढ़ी। इसके लिए कब पोर्टल खुलेगा फ्रेश और रिन्यूअल वालों के लिए, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और हाँ, लेकिन उससे पहले यार, अगर आप लोग देख तो रहे बहुत लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कि यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ अपडेट्स देखने को मिलेंगे और आपके सारे डाउट्स इसी चैनल पे क्लियर होंगे। होप करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, और जो लोग सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर दो, आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने में। लाइक वाले बटन पे बस आप प्रेस कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं आप वीडियो की तरफ। झूठी खबर छात्रवृत्ति की आखिरी तारीख 10 दिसंबर तक नहीं बढ़ी। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कल से सोशल मीडिया पे और कमेंट्स में भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी बन गई थी कि ये चीज़ आ रही है, एक झूठी खबर है जो ये वाली है। ये दोनों आर्टिकल झूठे, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये फेक हैं। शुल्क भरपाई की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ी, ये मैंने पहले निकाली थी। देन उसका ये भी एक उसी अखबार का ही है, लेकिन ये मतलब अमर उजाला का ही है सब। ये दोनों अगर देखोगे आर्टिकल तो अमर उजाला के ही हैं, और तो लोगों के आ रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, फेक खबर है, ये झूठी खबर है। तो क्या ये सच में झूठी खबर है, क्या लगता है आपको? तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल झूठी खबर नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो बार तो चलो ये अखबार में छपे ही हैं, ये कल रात की न्यूज़ आप देख लो, उससे पहले का आप डाउट करो। ये मदरसे वाला नियम तो आपने, मैंने पहले वीडियो निकाल के बता दी थी कि 1 से 8 तक की। ये न्यूज़ आप देखो कब की है, मंडे 28 नवंबर रात में 11:15 बजे एक न्यूज़ है, आप देख सकते हो क्लियर टाइम, क्योंकि मैं हमेशा प्रूफ दिखाता हूँ। ये भी अमर उजाला का है। अब आप लोग पहले डाउट जो करते हो, पहले आप चले जाना अमर उजाला में ऑनलाइन में, लखनऊ में जाना और ये वाली न्यूज़ खोल लेना, आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। तो मैं ये न्यूज़ क्यों दिखा रहा हूँ, इस न्यूज़ में अमर उजाला ने दोबारा वही चीज़ कवर की है। देखिए आप यहाँ पे, शुल्क भरपाई की अंतिम तिथि अब 10 दिसंबर तक, उत्तर प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है, और ये वही चीज़ है, सेम चीज़। और उसमें कहा किसने है, देखिए किसने कहा है कि इसे देखते हुए शासन ने अंतिम तिथि वही के एडमिशन और रिजल्ट नहीं आए थे उसकी वजह से अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने बताया कि दसमोत्तर कक्षाओं के लिए अंतिम तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। अब बात को ध्यान दो कि इस पर फैसला जो है कि फैसला इस बात का हो चुका है कि जो है कि 10 दिसंबर तक डेट बढ़ा दी गई। तो अब इसमें लोग विश्वास आप लोग नहीं कर रहे हो, पर मुझे मतलब है ना, अमर उजाला को आप हल्के, मतलब अमर उजाला ये 1948 का फाउंडेड अखबार है, 1948 से छपता आ रहा है, और मैं इस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, और इसकी न्यूज़ फेक नहीं है। लेकिन एक हैरानी की बात है कि इसके अलावा अभी तक किसी और न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट नहीं की है, ये वाली जो न्यूज़ है रिपोर्ट नहीं की है किसी और न्यूज़पेपर ने। लेकिन स्टिल अगर अमर उजाला इसको बार बार छाप रहा है, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने, अब मैंने आपको दिखा दिया कि दो बार अखबार में, फिर ये कल रात की न्यूज़ है 11 बजे की, तो उसने दोबारा इन्होंने यही चीज़ लिखी है 10 दिसंबर तक बढ़ गई है। डेट तो देखिए कंफर्म बढ़ गई है, वो फेक खबर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो कि फेक है, ये खबर है फेक नहीं है, बिल्कुल रियल न्यूज़ है, ये कोई फेक खबर नहीं है। इसलिए मैं आपको ये, मैंने ये वाला प्रूफ आपको दिखाया कि आप लोग इस पर विश्वास रखो, क्योंकि इन्होंने दोबारा रिपोर्ट किया, दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार रिपोर्ट कर चुके टोटल अमर उजाला इसी बात को कि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल आप लोगों के दिमाग में एक आता है कि पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, पोर्टल अभी भी नहीं खुल रहा है। पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, वो सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। पोर्टल इस वजह से नहीं खुल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 30 नवंबर जो है लास्ट डेट है मास्टर डेटा लॉक करने की विश्वविद्यालयों को, जो हार्ड कॉपी और वो सारी चीज़ें लॉक करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ अभी निर्णय हुआ है, अगर आप ध्यान देखो, मैं उस समय बोला था कि आप लोग ध्यान दो इस बात पे कि 10 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय हुआ, अभी डिसाइड हुआ है, इसमें अभी टाइम लगेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि एक चांस ये भी है कि 30 नवंबर जब ये डेट निकल जाएगी ना, उसके बाद आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा। अभी पोर्टल विश्वविद्यालयों और उनके लिए खुला है, 30 नवंबर मतलब आज भी नहीं पोर्टल खुलने वाला, अब तो क्लियर ही हो गया कि आपको 1 दिसंबर से मे भी पोर्टल खुलता दिख जाएगा। अभी ये लोग उस पर काम कर रहे हैं सर्कुलर, और आपको टाइम शीट, वो टाइम टेबल निकालना पड़ता है इनको प्रॉपर, कि अगर 10 दिसंबर तक खोल रहे हैं तो उसकी टाइम टेबल क्या होगी, कि कब तक क्या होगा, कब से क्या होगा। ये सारी चीज़ें उनको ऑफिशियली एक लेटर पर बनानी पड़ेगी, देन उसको वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ होगी। ऐसे नहीं हो जाता हवा में कि डायरेक्ट पोर्टल खोल दें। इस वजह से ये
पोर्टल नहीं खुला है, अब तो क्लियर हो गया। मैंने आपको क्लियर उस वाली वीडियो में बताया था, पिछली वाली में भी, कि एक चांस है, तो अब वो चीज़ क्लियर हो गई कि आपको पोर्टल 1 दिसंबर के बाद ही खुलने को मतलब देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 नवंबर तक वही चल रहा है। सो 30 नवंबर अब निकल जाने दीजिए, उसके बाद तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिए, 30 नवंबर के बाद आपके लिए पोर्टल खुल जाएगा, परेशान मत हो। सो पोर्टल खुलेगा, आप लोग चिंता मत करें। और बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि सरकारी रिजल्ट पे क्यों नहीं शो हो रहा ये चीज़, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, कि सरकारी रिजल्ट भी एक तरह का मतलब प्राइवेट वो है, कोई गवर्नमेंट की वो नहीं है, साइट नहीं है। वो क्या करते हैं, सरकारी रिजल्ट हम और आप जैसे मान लो वेबसाइट हमने बनाई, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी है वो, किसी और का डेटा उठाकर अपने यहाँ लिंक डालता है कि फलाना चीज़ का फॉर्म यहाँ से फिलअप कर ले, वो उसके खुद के थोड़ी ना होते हैं। सो वो तब तक अपडेट नहीं करेंगे जब तक पोर्टल सच में नहीं खुल जाएगा, वहाँ पर अपलोड कैसे कर देंगे वो। सरकारी रिजल्ट पर आप क्यों इतना ज़्यादा मतलब डिपेंड कर रहे हो या उस पर जा रहे हो, सरकारी रिजल्ट पर भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। जब एक बार पोर्टल 1 दिसंबर से खुल जाएगा तो आपको वहाँ भी दिख जाएगा, वो पहले कैसे डाल देंगे यार, नहीं डाल सकते ना वो। सो इसलिए वहाँ पे भी अपलोड नहीं हुआ, सरकारी रिजल्ट भी कर देंगे अपलोड, इसकी आप चिंता मत करें। सो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स जरूर करो, कमेंट आप लोग के मैं पढ़ता हूँ सारे लोगों की रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप अपने कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो, क्योंकि मैं अच्छी खबरें ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे न्यूज़ से रिलेटेड, ये सही न्यूज़ है। सो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी अगर नहीं किया हो तो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।